निर्दयी दास के कहानी। एक दिन पतरस यीशु से पूछिस, हे स्वामी, मोही अपनी भाई का कितना बार क्षमा करे का चाहिए? जब वह मोरे विरुद्ध पाप करत हब का 7 बार तक? यीशु कहिन, 7 बार नहीं पर 7 के 70 बार। एके द्वारा यीशु के मतलब है कि हम ही हमेशा क्षमा करे का चाहिए। तब यीशु यह कहानी बताइन। यीशु कहिन, परमात्मा के राज्य एक थे राजा के समान है, जौन अपन दास से लेखा लेखा चाहत रह। वाखर एक थे दास 2 लाख साल के मजदूरी के एक थे बड़ा कर्ज के कर्जदार रहो है, पर वह दास अपन कर्ज का चुका नहीं पाइस। यही से राजा कहिस, याखर कर्ज चुकामा के लाने या मनई का और एक ही परिवार का दासन के रूप में बेच दिया। वह दास राजा के सामने अपन घुटना टेक के कहिस, थोड़ी मोरे साथ धीरज धर और मैं अपने कर्ज के पूरा रकम का चुकता कर दई हूँ। राजा दास के ऊपर दया करिस, यही से वह ओखे सारा कर्ज का माफ कर दईस और वही जाए दईस। पर जब वह दास राजा के पास से बाहर गया तो वही वाखर एक थे साथी दास मिलो, जो नोखे 4 महीना की मजदूरी के कर्जदार रहो है। वह दास अपन साथी दास का पकड़ लईस और कहिस, जन तोरे ऊपर मोर कर्ज हब, मुही वाखर चुकता कर। वह साथी दास घुटना में गिर के कहिस, थोड़ी मोरे साथ धीरज धर आओ मैं अपन कर्ज के पूरा रकम का चुकता कर दई हूँ। पर एके बजे की वह दास अपन साथी दास का जेल खाना में डाल दईस, जब तक कि वह कर्ज का चुकता ना कर दे। जौन कुछ भर आओ है वही कुछ दूसर दास देखिन और ऊ बहुत परेशान होएगी। ऊ राजा के पास गए और सब कुछ बता दें। राजा व दास का बुला के कहिस, हे दुष्ट दास, मैं तोरे कर्ज का ऐसे क्षमा कर द रहा हूँ कैसे कितने मुझसे विनती करे रहे हस, तो तु ही भी वैसा ही करा का चाहिए। राजा इतना गुस्सा होएगा कि वह दुष्ट दास का जेल खाना में डाल दईस, जब तक कि वह अपन सारा कर्ज का वापस चुका न दे। तब यीशु कहिन, मोर स्वर्ग में विराजमान पिता, तुम में से हर एक जन के साथ ऐसा ही करी अगर तुम अपन भाई का अपन हृदय से क्षमा न करी हता। मत्ती अध्याय 18 21-35 से बाइबल की एक कहानी।